ये है खट्टी मीठी आम की लौंजी। देखने में ऐसा लग रहा होगा ना बहुत ही मुश्किल है बनाना, बट बिलीव यू मी बहुत आसान है। ये आम की लौंजी और ये सिंपल नमक का परांठा ना मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। दिस इज बचपन का प्यार। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। तो यहाँ मैंने लिए कच्चे आम। आजकल तो बहुत ही अच्छे आम आ रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से मैंने धो के पोंछ लिया, छील के ऐसे लंबा लंबा पतला पतला काट लिया। एक पैन में डाला बहुत ही थोड़ा सा ऑयल, इसमें डाली हींग, जीरा, सौंफ, राई। इसे कुछ सेकंड्स भून के इस पे डाला मैंने मेथी दाना और कलौंजी। ये डालते ही मैंने डाल दिए इसके ऊपर कच्चे आम। इसे ऑलमोस्ट एक मिनट तक मैंने अच्छे से पकाया और फिर इसके ऊपर डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी। पानी के साथ गया नमक, हल्दी और मिर्च। इसे मिक्स किया और ढक के मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट तक बहुत बढ़िया से पकाया, जब तक हमारे आम सॉफ्ट नहीं हो गए। फिर डाला मैंने इसके अंदर 150 ग्राम गुड़। अब आप चाहें तो आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, खांड डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने इसके अंदर डाला चाट मसाला, काला नमक और गरम मसाला। इसे बहुत बढ़िया से मिक्स किया, ऑलमोस्ट एक मिनट तक और बढ़िया से पकाया और देखिए ये जो पानी है ना ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया। बस इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को बंद कर दें क्योंकि ये ना रखे रखे भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। आप इस लौंजी को ना एयर टाइट कंटेनर में डाल के ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन तक मजे से एंजॉय कर सकते हैं। तो कच्चे आम सीजन में आप भी ये आम की लौंजी बनाइए, खुद खाइए, घर वालों को खिलाइए और ऐसी और रेसिपीज को देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिए।